संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कन्नौज की, जहां पर दो बूथों पर मतदान नहीं हुआ है। भारी संख्या में यहां पर मतदाता पहुंचे थे, लेकिन ईवीएम मशीन खराब होने के कारण और देरी के कारण लोग यहां से निराश होकर वापस लौट गए। चुनाव आयोग की जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं नाकाम होती दिखाई दे रही है। ईवीएम को लेकर जो शिकायतें पहले के चरणों में आई हैं, वो इस चरण में भी आना शुरू हो गई हैं। अभी भी देश भर के कई बूथों पर मतदान शुरू नहीं हुआ है। कन्नौज में भी दो पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराब है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी दिलीप कटियार हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ माहौल है? दो ईवीएम पे अभी तक, दो जगहों पे ईवीएम खराब है और अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है। जी, सुबह से मतदान जब शुरू हुआ था तब से छोटी मोटी घटनाएं शुरू हो गई है। मतदान को लेकर लोग लंबी लंबी लाइनों में मतदान करने तो आए थे, लेकिन जो जब मतदान करने लोग आए थे तो उनको ईवीएम की खराबी का सामना करना पड़ा। तो कुछ जगह पे ऐसा भी हुआ है कि जो लोग मतदान करने आए थे लोग घर भी वापस चले गए हैं। मतदान कहीं ना कहीं ईवीएम की खराबी होने से मतदान प्रभावित भी हो रहा है, लेकिन प्रशासन जो है जल्दी ही ईवीएम मशीन दुरुस्त करने की बात भी कह रहा है। कुछ जगह पे ईवीएम मशीन खराब जो थी उसको सही भी कर ली गई है और वहाँ पे स्टार रूप से मतदान शुरू हो गया है। जी चलिए, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए दिलीप।